अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू चिकन बिरयानी। ये बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। सबसे पहले बारबेक्यू मसाला तैयार कर लेते हैं। जीरा लिया 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, बादयान का फूल आधा, 8-10 काली मिर्चें, ये गोल वाली रेड मिर्चें हैं मेरे पास, ये मैंने 6 अदद ली हैं, मोटी इलायची 1, 8-10 लौंग लिए हैं, ये मेरे पास कबाब चीनी है, ये पीसी हुई है मेरे पास, ये काली मिर्चों की तरह होती है साबत, उनको मैंने पीस लिया है, ये पंसारी की दुकान से मिल जाती है, 8-10 अदद लेके उसको आप पीस लें। अब मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसको चॉपर में डालेंगे, इसको बारीक पीसना है। अब मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। 1 किलो मैंने चिकन लिया, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, जर्दे का कलर 2 चुटकी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, बारबेक्यू मसाला जो मैंने अभी पीसा है, दही है मेरे पास 1/2 कप, 1 लीमू का रस। सारी चीज़ें चिकन में डाल के मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले दही आएगा, फूड कलर, नमक, हल्दी पाउडर, रेड मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये बारबेक्यू मसाला जो मैंने पीसा था इसमें से 1 टेबल स्पून जाएगा, लीमू का जूस जाएगा इसके अंदर, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन में चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं, अब इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। 1/2 घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए, अब इसको पकाएंगे। ये कोयला लिया मैंने स्मोक देने के लिए, और थोड़ा सा ऑयल चाहिए। पतीले के नीचे मैंने आग जला ली, अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें चिकन ऐड करते हैं। अब चिकन को अच्छी तरह पका लेंगे। चिकन में पानी वगैरह कुछ नहीं जाएगा, इसी तरह चिकन को पकाएंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह गल गया, इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब मैं इसको स्मोक देती हूँ। ये मैंने फॉइल वाली कटोरी ली है, आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर ऑयल डालूंगी, आप घी भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर ढक देंगे इसको, और 10 मिनट के लिए रखेंगे। चिकन को स्मोक आ गई, अब इसका कोयला निकाल लेते हैं और इसको एक साइड पे रख लेते हैं। अब मैं बिरयानी का मसाला तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने 6 प्याज दिए, उनको मैंने बारीक काट लिए, 6 अदर टमाटर लिए, उनको भी मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया, 10-12 अदद मैंने आलू बुखारे लिए, 2 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, नमक आपने ध्यान से डालना है, चिकन के अंदर भी नमक गया है, रेड मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून, बादयान का फूल आधा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 5-6 लौंग, 5-6 काली मिर्चें, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 तेज़पात, 7 मिर्चें हैं, 5 अदद इनको मैंने काट लिया है, बारबेक्यू मसाला है जो मैंने पीसा था, चिकन के अंदर भी मैंने डाला था और ये बच गया था, यह मसाले में जाएगा। 1 अदद लेमन है, इसको मैंने स्लाइस काट लिया इस तरह से, पुदीना है मेरे पास 1/2 कप, इसको बारीक काट लिया, ऑयल है 1.5 कप जाएगा। तीले के नीचे मैंने मीडियम आग जला ली, अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे, अब इसमें साबुत गरम मसाला जाएगा,
इसको हल्का सा भून लेंगे। मसाला हल्का सा भून गया, अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी गोल्डन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो गया अच्छी तरह, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। इसको भी पका लेंगे अच्छी तरह। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पका लिया है, अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब सारे मसाले भी मैं साथ ही ऐड कर दूंगी। सब मिर्चें, बिरयानी मसाला, नमक, रेड मिर्च पाउडर, खुश्क आलू बुखारा, बारबेक्यू मसाला, लेमन, पुदीना। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और ऑयल आ जाए ऊपर। तेल ऊपर आ गया, मसाला हमारा बन गया। अब इसमें चिकन ऐड करते हैं। सारा चिकन डाल देंगे इसके अंदर। अब इनको सारा मिक्स कर लेंगे मसाला अच्छी तरह चिकन के अंदर। मसाला हमारा अच्छी तरह चिकन में मिक्स हो गया। अब इसकी आग बंद कर देते हैं और इसको एक साइड पे रखते हैं। अब मैं चावल बॉयल कर लेती हूँ। 2 गिलास मैंने चावल लिए जो कि 1/2 किलो से थोड़े से ज़्यादा थे। इनको मैंने 1/2 घंटा पहले भिगो लिया था। इसके लिए मैंने मिर्चें ली हैं 3 अदद, इनको मैंने ऐसी लंबाई में काट लिया। और पुदीना लिया है 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ। नमक है 1 टेबल स्पून। 1/4 चम्मच मैंने फूड कलर लिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाल के उनको अच्छी तरह हल कर लिया है। पानी उबलने लग के अब इसमें चावल ऐड कर देती हूँ, साथ ही मैं नमक ऐड कर देती हूँ, सब मिर्चें और पुदीना भी साथ ही ऐड कर देती हूँ। अब चावलों को बॉयल कर लेंगे। चावल मैंने बॉयल कर लिए, अब बिरयानी की तह लगाएंगे। सबसे पहले मसाला डालेंगे। सबसे पहले नीचे मसाला डालेंगे, चावल हमारे चिपके नहीं नीचे से। अब इसके अंदर चावल डालेंगे। अब इसको चावलों को फुला लेंगे अच्छी तरह। अब इसके ऊपर फिर मसाला डालेंगे। अब जो हमारे पास बचे हुए चावल हैं वो डालेंगे। अब चावलों के ऊपर फूड कलर ऐड करेंगे। अब बिरयानी को दम पे रखेंगे 10 मिनट के लिए हल्की आग जला कर। मिनट हो चुके, आप बिरयानी को चेक कर लेते हैं। बारबेक्यू बिरयानी हमारी तैयार है। अब इसको मिक्स करेंगे। अब मैं बिरयानी की आग बंद कर देती हूँ, इसको एक डिश में निकालते हैं। बारबेक्यू बिरयानी तैयार है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।